गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल एंड गुड शेप एजुकेशन सेंटर आई एम आशा अग्नोत्री आई विल टीच यू कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास फिफ्थ स्टूडेंट लेसन सेवन टॉपिक है फ्लो चार्ट एस यू नो कम्प्यूटर इज़ एन इंटेलिजेंट मशीन बट इट कैन नाट डू एनी थिंग ऑन इट्स ऑन इट वर्क ऑन आवर इंस्ट्रक्शन ऑनली थॉक इट इज़ एन एक्ूरेट मशीन बट इट आल्सो गिवस रॉन्ग इंफॉर्मेशन इफ़ द रॉन्ग इंस्ट्रक्शन आर गिफ टू इट जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट मशीन है लेकिन ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता है ये केवल हमारे निर्देशों पर काम करता है हालांकि ये एक्यूरेट मशीन है लेकिन ये गलत जानकारी भी देता है अगर इसे गलत निर्देश दिए जाएँ सो देयर ऑलवेज ए नीड ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप टू मेक इट वर्क प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कार्ड ए प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ग्राफिकली वी यूज फ्लो चार्टिस ए फ्लो चार्ट इज दे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम इसलिए कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप निर्देश देने का एक उद्देश्य होता है ताकि वो सही और एक्यूरेट तरीके से काम कर सके निर्देशों के इस सेट को प्रोग्राम कहा जाता है ग्राफिकली रूप से प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं इस प्रकार फ्लो चार्ट एक प्रोग्राम का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करता है पॉइंट टू रिमेंबर द फर्स्ट स्टेज इन राइटिंग ए प्रोग्राम इज़ टू मेक श्योर डेट योर अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वाट यू वांट द कंप्यूटर टू डू दिस विल इन्वॉल्व राइटिंग डाउन ए डिटेल डिस्क्रिप्शन इन इंग्लिश और यू कैन से इट एल्गोरिथम ये प्रोग्राम लिखने में फ़र्स्ट स्टेप ये है कि आप ठीक से समझें कि आप कंप्यूटर से क्या कराना चाहते हैं इसमें इंग्लिश में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना शामिल होता है या आप इसे एल्गोरिथम कह सकते हैं द नेक्स्ट स्टेज इज टू ब्रेक डाउन द टास्क दैट द कंप्यूटर इज टू कैरी आउट इन टू स्माल सो इन ए फ्लो चार्ट अगला स्टेप में कार को ब्रेक करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं कंप्यूटर को छोटे स्टेप से बाहर ले जाया जाता है इन स्टेप्स को एक फ्लो चार्ट में दिखाया गया है टू ड्राई फ्लो चार्ट वी नीड डिफरेंट सिम्बल्स ई सिम्बल हैज़ डिफरेंट मीनिंग एज डिस्क्राइब ब्लो फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें डिफरेंट सिम्बल्स की आवश्यकता होती है बुद्ध सिंबल का अलग अलग अर्थ है जैसे कि आपको ये नीचे दिखाया गया है फर्स्ट स्टार्ट बॉक्स और स्टॉप बॉक्स इज ओवल इन सेप विच इज आल्सो टर्मिनल बॉक्स दिस बॉक्स इज यूज टू स्टार्ट एंड आल्सो टू स्टॉप दॉक्स एंड ऑन ऑफ फ्लो चार्ट एंड स्टॉप इज एट द एंड ऑफ फ्लो चार्ट स्टार्ट बॉक्स या स्टॉप बॉक्स ओवल शेप में होता है जिसे टर्मिनल बॉक्स भी कहा जाता है इस बॉक्स का यूज़ स्टार्ट करने के लिए किया जाता है और स्टॉप करने के लिए भी किया जाता है स्टार्ट बॉक्स फ्लो चार्ट के स्टार्ट में होता है और स्टॉप बॉक्स फ्लो चार्ट के एंड में होता है ये देखिए ये प्रोसेस है ये स्टार्ट बॉक्स है ये प्रोसेस बॉक्स है प्रोसेस बॉक्स इज रेक्टेंगुलर सेप एंड इज इज कार्ड प्रोसेस बॉक्स बिकॉज द प्रोसेस टेकिंग प्लेस स्टेप बाय स्टेप इज रिटर्न इन द बॉक्स प्रोसेस बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप में होता है इसे प्रोसेस बॉक्स कहा जाता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप इस बॉक्स में स्पेस होते हैं फ्लो लाइंस ये फ्लो लाइंस है फ्लो लाइंस आर यूज टू कनेक्ट टू बॉक्सेस इन फ्लो चार्ट दिस हैव एरो ऑन वन एंड एज इट शो द डायरेक्शन ऑफ स्टेप्स फ्लो लाइन कैन बी ड्रा इन आर फोर डायरेक्शन फ्लो लाइन का यूज फ्लो चार्ट में दो बॉक्स को जोड़ने के लिए किया जाता है इस पर एक छोर पर एरो है क्योंकि यह स्टेप्स की दिशा को दिखाता है फ्लो लाइंस को फोर डायरेक्शन में ड्रा किया जा सकता है देखिए ये इनपुट आउटपुट बॉक्स है the input-output box use the parallelogram symbol to represent input-output to data or information from to any device it indicates the operation of reading and writing the word read input print are written in it input or output box is a device may डेटा या इंफॉर्मेशन को इनपुट या आउटपुट रिप्रेजेंट करने के लिए पैरोग्राम सिंबल का यूज़ किया जाता है यानी ये पढ़ने और लिखने के लिए ऑपरेशन को इंडिकेट करता है रीड इनपुट प्रिंट जैसे वर्ड इसमें लिखे गए हैं इनपुट इज़ एन इंस्ट्रक्शन इट अलाउ यूजर्स यूजर टू इंटर सम थिंग थ्रॉ द कीबोर्ड प्रिंट इज़ एन आउटपुट इंस्ट्रक्शन इट टेल द कंप्यूटर टू डिसप्लेस समिंग ऑन द स्क्रीन इनपुट एक इंस्ट्रक्शन है ये यूजर को कीबोर्ड के माध्यम से कुछ इंटर करने की अनुमति देता है और प्रिंट एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है यह कंप्यूटर को स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले करने के लिए कहता है लेट अस कंसीडर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ग्राफ फ्लो चार्ट इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीड करते हैं सी यू नेक्स्ट क्लास बाय थैंक यू